नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य कुंवर। एस्ट्रो साइंस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंच जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अगर आपका वैवाहिक जोड़ीदार सिंह राशि का हो तो आपको उसके साथ किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, कौन से उनके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हैं, किस तरह का उनका व्यक्तित्व है, आपको उनके बारे में जो छोटी छोटी बातें हैं वो जानना बहुत ही आवश्यक होता है, जिसके वजह से आपके जो वैवाहिक संबंध है उसमें हार्मनी आ सकती है और आपके वैवाहिक जीवन में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने के लिए इन सारी बातों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा सिंह राशि का स्वभाव क्या है। उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो प्रेम होता है और जो विवाह होता है उसमें क्या फर्क है। देखिए, प्रेम एक भावना है और विवाह एक जिम्मेदारी। अगर आप किसी के साथ प्रेम में हो तो दिन का थोड़ा हिस्सा हम एक दूसरे के आमने सामने जाते हैं, तो इसमें होता क्या है कि हम अपनी जो सकारात्मक व्यक्तित्व होता है वही सामने रखने का प्रयत्न करते हैं। प्रेम में ये भावना दोनों ही साइड से होता है, मतलब आपके जो प्रेमी है वो भी ऐसा करेंगे, आप भी वैसा ही करेंगे। इसके वजह से क्या होता है कि जो आप लोगों का अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके वजह से क्या होता है कि एक दूसरे को जानने के लिए अट्रैक्शन, जिज्ञासा और भी बढ़ जाते हैं हमारे अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेम में हम बहुत ज्यादा आतुर होते हैं क्योंकि दिन का बहुत छोटा सा हिस्सा हम एक दूसरे के सामने आते हैं और हमारे जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं वो हम ज्यादा करके नहीं दिखाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, सिर्फ सकारात्मक भाव होता है प्रेम में तो अपना जो अट्रैक्शन लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम विवाह को देखें तो यह एक कर्तव्य है, बंधन है और एक रिश्ता है। तो विवाह में क्या होता है कि 24 घंटे आप एक दूसरे के आमने सामने रहते हो। तो विवाह में आपने देखा होगा पहले 2-3 महीनों में हमें बहुत ही आनंद आता है एक दूसरे को समझने में, जानने में। तो विवाह में भी शुरुआत में हम क्या करते हैं कि अपने जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वही सामने में रखने का ट्राई करते हैं, जिसके वजह से हमारे सामने जो व्यक्ति होता है वो भी खुश होता है। लेकिन 2-3 महीनों के बाद क्या होता है कि हम हमेशा अपने पॉजिटिव माइंड में नहीं रहते हैं, हमारे अंदर उस दौरान कुछ नेगेटिव भावना भी आती है नॉर्मली। तो 2-3 महीनों के बाद क्या होता है कि हमारे जो नकारात्मक भावनाएं हैं, हमारे व्यक्तित्व के जो नेगेटिव पहलू है वो भी धीरे धीरे सामने आ जाते हैं और अपने सामने जो व्यक्ति होता है, जो वैवाहिक जोड़ीदार होता है, उनके भी जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है वो भी धीरे धीरे सामने आ जाते हैं। तो उसके बाद हमारे रिलेशंस में कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती है। तो अगर आपको पता होगा कि जो आपका वैवाहिक जोड़ीदार है उसका स्वभाव किस तरह का है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है और आपके वैवाहिक जोड़ीदार की सकारात्मक और नकारात्मक पहलू क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, अगर वो रूट जाए तो उनको कैसे मनाना है, तो अगर आपको उनके स्वभाव के बारे में पूरी तरीके से पता चले तो मेरे ख्याल से अगर आपके बीच में कोई कॉम्प्लिकेशंस है या फिर कुछ टकरार है तो वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे और कॉम्प्लिकेशंस कभी आएंगे भी नहीं अगर आपने उनका स्वभाव अच्छे तरीके से समझ लिया तो। तो इसी विषय में हम आज सिंह राशि के लिए चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, हम देखते हैं अगर आपका वैवाहिक जोड़ीदार सिंह राशि का है तो किस तरह से आपको उनके साथ पेश आना चाहिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो सिंह राशि है वो सिंह राशि का स्वभाव किस तरह से होता है। सिंह राशि मतलब इनके राशि के नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है। जो सिंह राशि है मतलब वो राजा की तरह रहेगी, मतलब उनमें एटीट्यूड बहुत ज्यादा होता है और अपने बलबूते में आगे बढ़ना और किसी की मदद ना लेना, किसी के सामने हाथ ना फैलाना, किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना, खुद के ऊपर ही बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होना, तो ये जो सभी बातें हैं वो सिंह राशि में होती है और ये रिलेशनशिप के मामले में प्रॉब्लम करती है, मतलब रिश्तों के मामले में रिश्ते अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं। ये जो सिंह राशि का स्वभाव है ये करियर के लिए या फिर बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन विवाह के संदर्भ में, वैवाहिक जीवन के संदर्भ में अगर हम देखें तो ये कॉम्प्लिकेशंस लाता है। सिंह राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो किसी की नहीं सुनते हैं, वो बस खुद के मुताबिक ही मतलब सब काम करते हैं। उनको आप कितना भी समझाओ लेकिन वो जब तक उनको खुद को वो अनुभव नहीं आएगा तब तक वो किसी की भी बात नहीं मानेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आपका वैवाहिक जोड़ीदार सिंह राशि का हो तो उनको कोई भी बात डायरेक्टली नहीं करना,
अगर उनको किसी बात को आपको समझाना है तो कोई भी बात डायरेक्टली नहीं करना, और जो बाकी के घर के जो लोग होंगे उनके सामने कभी भी इनको समझाना नहीं, और कोई भी बुरा शब्द नहीं बोलना। अगर आपकी पत्नी की राशि सिंह राशि की हो तो अगर आपने लोगों के सामने कुछ अपशब्द या बुरा शब्द कह दिया तो ये आपको सामने से ही उसी वक्त कुछ बोल देंगे, क्योंकि इनमें एटीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। पहली बात तो ये कुछ ज़्यादा बोलेंगे नहीं, लेकिन जब बोलेंगे अगर कुछ इनको बुरा लगा उस दौरान अगर कुछ बोलेंगे तो आपके रिश्ते भी ख़त्म हो सकते हैं। जी हाँ, ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको कुछ उन्हें कहना है, उनसे कुछ चूक हुई है, या फिर आप उनमें कुछ नई बात चाहते हो, नए कुछ बदलाव चाहते हो, तो उनका जो मूड है वो देखना, उसके बाद ही अपना कुछ बात सामने रखना। अगर इनका मूड कुछ भारी है, अगर ये गुस्से में है, तो उनको क्रॉस नहीं करना, क्योंकि उस दौरान उनकी ऊर्जा और भी बढ़ जाती है। तो अगर इनको नॉर्मल रखना है या फिर शांत रखना है तो धीरे धीरे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप डालते जाओ। अगर ये गृहिणी भी है, कहीं काम पर भी जाती है, जैसे कि मैंने मेष राशि के लिए भी कहा था कि ये सिंह राशि भी करियर ओरिएंटेड रहती है, ये घर पे रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। मतलब अगर इनको बाहर का काम दिया जाए बहुत अच्छी तरीके से पूरे करेंगे। गृहिणी के व्याख्या में ये राशि बैठने वाली नहीं है। अगर घर के मामले में देखा जाए तो ये काम भी करेंगे, लेकिन जिसे हम कहते हैं ना कि व्यवस्थित रूप में, उस तरीके से घर के काम नहीं होंगे। अगर ये घर के काम करेंगे भी, या फिर कुछ खाना पकाने के मामले में ले लीजिए, तो उसमें टेस्ट नहीं होगा। ये बस ये सोचेंगे कि कैसे भी करके ये काम को निपटा लेना है। तो पहली बात तो ये है कि घर के काम करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है इनको। अगर किसी को सीख देनी है तो उनके लिए उसके लिए तैयार होते हैं, लेकिन वहीं अगर घर के काम को लिया जाए तो उसके लिए जल्दी तैयार नहीं होते हैं। इसीलिए सिंह राशि ज़्यादातर करियर ओरिएंटेड रहते हैं। दूसरा, इनको ईगो बहुत ज़्यादा होता है, और जिसे हम आत्मसम्मान कहते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आत्मसम्मान अगर बहुत ज़्यादा हो तो उसे अहंकार भी कहते हैं। तो सही मायनों में अगर कहा जाए तो इनमें अहंकार ज़्यादा होता है, इसीलिए ये किसी बात पे एडजस्ट नहीं करते हैं। इनका माइंडसेट ये रहता है कि कोई भी चर्चा का विषय हो, ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना चाहते हैं। इनको हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे पास ऐसी वस्तु हो जो बाकी लोगों के पास ना हो, और उसी वस्तु के कारण लोग उन्हें पूछे। ये वस्तु गहना भी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई हेयर स्टाइल भी हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं। मतलब हर एक कुछ में कुछ डिफरेंट चाहते हैं और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहते हैं, और कुछ रॉयल लाइफस्टाइल मेंटेन करने के पीछे रहते हैं, और घूमने फिरने के मामले में भी इनके शौक बहुत ज़्यादा होते हैं। सिंह राशि में पॉजिटिव एक्सपेक्ट ये होता है, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि कैरियर के मामले में ये बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे, क्योंकि इन्हें कॉम्पीट करना और आगे जाना बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो अगर ये घर के बाहर रहेगी तो ये राशि बहुत ज़्यादा आगे जाएगी। तो अगर इनको आप गृहिणी के व्याख्या में रखोगे तो प्रॉब्लम तो होने वाली है, छोटे से लेकर बड़े तक। अगर आपने ऐसा कंडीशन चूज कर लिया, फिर तो आपको थोड़ा सहनशीलता पूर्वक इस चीज़ को लेके जाना है। तो इसलिए मित्रों, अगर ये राशि घर के बाहर अपना जो काम के क्षेत्र में ले लीजिए, या फिर कुछ भी क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में ले लीजिए, अगर ये घर के बाहर अपना मन रखेंगे या फिर विचारधारा रहेगी तो ये बहुत ही आगे जाएंगे, और घर का जो माहौल है वो भी नॉर्मली एडजस्ट होते चले जाएगा। इनके हम पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों ही देख लिए। जैसे कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में, जैसे कि हम बोलते हैं कि कर्तव्यनिष्ठ होते हैं ये, और नेगेटिव में देखा जाए तो जैसे कि इनमें थोड़ा ज्यादा अहंकार होता है, जल्दी एडजस्ट भी नहीं कर पाते हैं। सिंह राशि में इनके बोलने चालने का एक ढंग होता है, एक तरीका होता है, और पब्लिक में अगर ये जाएंगे तो खुद का एक थोड़ा, जिसे बोलते हैं ना कि एक सुपरफिशियल स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। इनकी आवाज़ भी थोड़ी अलग होती है, थोड़े ऊंचे आवाज़ में बात करते हैं। अगर व्यक्तित्व के क्षेत्र में देखा जाए तो इनका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा होता है, और जो सामने वाले पे इम्प्रेशन बनाने में ये सक्षम होते हैं। और ये जो सभी बातें हैं, ये सारी बातें घर के बाहर बहुत ही अच्छे होते हैं। तो देखा जाए तो ये इनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। तो अगर आपकी शादी किसी सिंह राशि के व्यक्ति के साथ हुई है और आपकी किसी बातों पे झगड़ा हो गया, कोई अनबन हो गई, तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात, अगर आपसे हो सके तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, दो बातें हैं यहाँ पर। अगर जो मामला है वो आपको झटपट निपटाना है तो जाके आप माफी मांगो, सॉरी कहो उनसे, क्योंकि ये जो राशि है, ये राशि माफ जल्दी कर देती है।
उनको क्या रहता है कि आप सिर्फ मेरे सामने माफी मांगो, आपने इनके पास से कितने भी पैसे लिया हो या फिर कुछ भी किया हो, सिर्फ आप जाके माफी मांग लो और आपको सिंह राशि वाले कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से जो उनका अहंकार होता है वो अहंकार बढ़ता है, क्योंकि ऐसा करने से उनका जो अहंकार है वो अहंकार बढ़ता है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि इनके बारे में आप बहुत ही अच्छा अच्छा शब्द इस्तेमाल करो। अगर आप बहुत ही अच्छा शब्द या इनकी प्रशंसा करो तो जो सिंह राशि वाले व्यक्ति होते हैं वो आनंदित हो जाते हैं। इनके लिए पैसा मायने नहीं रखता, इनका जो अहंकार होता है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। दूसरी बात, अगर आप में ये फीलिंग है, अगर कोई मनमुटाव के दौरान आपको ये फीलिंग आती है कि आखिर मैं भी तो पति हूँ या फिर मैं भी तो पत्नी हूँ, मैं इनसे माफ़ी कैसे मांगूँ, तो इसके लिए आपको आपके लिए एक टिप है। उसमें आपको थोड़े पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, तो वो तरीका कुछ इस तरह है कि इनको लेके कुछ शॉपिंग के लिए जाओ, कुछ होटल में अच्छे रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाओ, तो उस तरीके उसमें आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो पैसे खर्च करने के बाद या फिर थोड़े घूमने फिरने को ले गए, इस दौरान मतलब जो सिंह राशि के व्यक्ति होते हैं वो खुश हो जाते हैं और उनको लगता है कि ठीक है, अभी मामला सामने से अच्छा नज़र आ रहा है और उनको लगता है कि जो सामने वाला आदमी है वो मुझे समझ रहा है, इस तरह की उनकी भावनाएं होती हैं। तो इसी तरह की ये राशि होती है सिंह राशि, इसमें थोड़े पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट भी होती है। अगर आप इनके स्वभाव को पूरी तरीके से समझ जाओ फिर आप में और इन में कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ सकते हैं। तो मित्रों, ये था सिंह राशि का वैवाहिक जोड़ीदार के लिए मेरी कुछ बातें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।